जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हमदो सलगर, आप सभी का ट्रिक्स अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वाहक ऐप के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं और इस ऐप को कैसे इस्तेमाल किया जाता है यह सब कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो आप एक बिजनेसमैन या फिर एक लॉरी ऑपरेटर ज़रूर होंगे। एक बिजनेसमैन को लोड ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ी की आवश्यकता होती है और एक ट्रक ऑपरेटर को लोड की, बस इन दोनों को जल्द से जल्द जोड़ने में यह ऐप मदद करता है। तो चलिए जानते हैं कि इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर से वाहक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, चलिए इसे ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज चूज़ कर लेना है अपने हिसाब से। चलिए मैं इंग्लिश रख लेता हूँ। यहाँ पे परमिशन को अलाउ करना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। जिस भी मोबाइल नंबर से आप अकाउंट बनाना चाहते हैं वो आप वहाँ के एप्लीकेशन का, वह मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे वेरीफाई करना है ओटीपी डालने के बाद। देन आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, एक ट्रक ऑपरेटर और दूसरा शिपर ऑप्शन है। देन ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद अपने कंपनी का नाम डालना है जो भी आप रखना चाहते हैं, इस तरीके से कुछ अच्छा नाम डाल देना है। उसके बाद अपना सिटी डालना है और देन आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। देन आपके सामने वाहक एप्लीकेशन का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे चार ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। चलिए मैं एक एक करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ यह क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं पहले नंबर ऑप्शन पर, माई लोड पर। अगर आपको कोई लॉरी की रिक्वायरमेंट है या फिर किसी के पास आप लोड भेजना चाहते हो तो यह ऑप्शन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके लिए आपको लोडिंग पॉइंट पर क्लिक करना है। आप कहां से लोड भरवाना चाहते हैं यहां पे एड्रेस डाल देना है। उसके बाद डेस्टिनेशन, जहां पर आप अपना सामान पहुँचाना चाहते हैं वह डेस्टिनेशन डालना है, जैसे कि मैं पुणे डाल देता हूँ। उसके बाद मटेरियल क्या है, जैसे कि स्टील हो गया, इस तरीके से मटेरियल डालना है। उसके बाद कितना टन माल है उसकी क्वांटिटी डालना है, जैसे कि 10 टन। देन आपको नीचे गाड़ियां दिख रही होंगी, जो भी आपको गाड़ी की रिक्वायरमेंट है यहां पे सेलेक्ट करना है, जैसे कि कंटेनर, ट्रक, इस तरीके से ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं ट्रक सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स डाल देना है। चलो मैं अभी डाल देता हूँ, जैसे कि मैं 10,000। यह प्राइस आप पर टन के हिसाब से देना चाहते हैं या फिर फिक्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। देन आप यहाँ पे नीचे पेमेंट मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप पोस्ट लोड कर देना है, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। आपका पोस्ट लोड हो चुका है। जैसे ही आप पोस्ट लोड करेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपके पास फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे। यह सेकंड नंबर ऑप्शन, जिसके पास गाड़ियां है, जिसको लोड की ज़रूरत है, उनके लिए यह ऑप्शन है। अगर आपके पास गाड़ी है तो यहाँ पे नीचे अटैच लॉरी पर क्लिक कर देना है। आपके पास जो भी गाड़ी है यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं ट्रक सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अपना करंट सिटी डालना है। देन आपको लॉरी नंबर डालना है। उसके बाद कितने टन कैपेसिटी है आपकी ट्रक की या फिर गाड़ी की, वह यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको रूट्स ऐड कर लेना है, जिस भी स्टेट में आप चलाना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। देन आपको अटैच फ्लीट पर क्लिक कर देना है और आपका ट्रक यहाँ पे वाहक एप्लीकेशन पर ऐड हो जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं लॉरी मार्केट के अंदर। जैसे ही आप लॉरी मार्केट ओपन करेंगे आपके सामने दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, पहला लोड मार्केट और दूसरा लॉरी मार्केट। लोड मार्केट उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनके पास ट्रक्स है या फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी है,
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मटेरियल का नेम, कितना टन मटेरियल है और पेमेंट मेथड, और कितना पेमेंट वह पे करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। अगर आपको यह डील पसंद है तो यहाँ पे बुक नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका रेट होगा यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि 8000 मैं डाल देता हूँ। अगर आप उनके साथ नेगोशिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उसको सेलेक्ट करना है। आपकी कोई कंडीशन है तो यहाँ पे डाल देना है कमेंट, और उसके बाद आपको बिड नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बिड नाउ पर क्लिक करेंगे आपका बिडिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे सीधे आप उनसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने उनका नंबर आ जाएगा और डायरेक्टली आप उनसे कॉल पर बात कर सकते हैं। चलिए अब हम लॉरी मार्केट के अंदर आ जाते हैं। यह ऑप्शन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिनको जल्द से जल्द ट्रक की ज़रूरत है। जैसे ही कोई आपको ट्रक पसंद आता है यहाँ पे बुक नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपने लोड पोस्ट किया होगा उसको सिलेक्ट करना है, देन आपको रेट डालना है और फिक्स्ड है या फिर पर टन के हिसाब से ना देना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद कोई कंडीशन हो तो यहाँ पे डाल देना है और डायरेक्टली आपको बिड नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बिडिंग सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आप किसी नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं तो ट्रक ऑपरेटर और लोड ऑपरेटर को बहुत ही जल्द समय में जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। किसी नेटवर्क को ज्वाइन होने के लिए कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड हो चुका है, अगर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो आप नेटवर्क के अंदर जुड़ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट मार्केट के अंदर अपना दबदबा बनाने के लिए आपको एक अच्छी प्रोफाइल होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक अच्छा प्रोफाइल क्रिएट कर चुका हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार आपको भी अपना प्रोफाइल बनाना है। अगर आप एक अच्छा प्रोफाइल बना लेते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डील मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप कि आपको वाहक एप्लीकेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।